एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या है, मियोसिस में कितने सीक्वेंसेस साइकिल चलते हैं, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या फ़र्क है, इन डिटेल हम जानेंगे। और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो मियोसिस होता है ये इतना जान लो कि जब भी मियोसिस किसी सेल में होगा तो अगर वो सेल में 2n है क्रोमोसोम का नंबर तो रिड्यूस टू हाफ यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीज़न। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो रिड्यूस कर जाता है, डैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न। ओके, और मैंने जब माइटोसिस पढ़ाया था यानी कि एमफेस जब मैंने पढ़ाया था तो याद करो जो माइटोसिस होता है उसको मैंने इक्वेशनल डिवीज़न कहा था। ओके, इसके अलावा होता क्या है ना, चलो लाइन बाय लाइन मैंने हम लोग पहले टेक्स्ट देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन को नहीं छोड़ना है। द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है इंक्लूड द फ्यूज़न ऑफ टू गैमिट यानी कि दो गैमिट मिलेगा, एक फीमेल से आएगा एक मेल से, तो दो गैमिट मिलेंगे तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीट होगा। ईच विथ अ कम्प्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम, दोनों के पास कैसा सेट होता है, हैप्लॉयड सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये मेल है यानी कि ह्यूमन का ये मेल है तो इसके अंदर जो स्पर्म रहेगा इसके अंदर भी एन रहता है, और अगर ये ओवम है जो कि फीमेल से आया है इसके अंदर भी जो क्रोमोजोम का नंबर रहेगा वो हैप्लॉयड सेल रहेगा, डेट इज़ एन रहेगा। ठीक है, ये दोनों का जब हम लोग फ्यूजन करवाएंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर, इसके अलावा क्या बोल रहा है, गैमिट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल। गैमिट किससे बनता है, तो स्पेशल टाइप का डिप्लॉयड सेल होता है उससे बनता है यानी कि जर्म सेल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो जर्म सेल होता है उसके अंदर म्यूसिस होगा तो जो डिप्लॉयड सेल होता है वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैमिट किससे बनता है, डिप्लॉयड सेल से। क्लियर, दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन डेट रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल यानी कि इस खास तरह का जो डॉटर सेल मदर सेल होता है उसमें जब मियोसिस होगा तो उसका जो क्रोमोजोम नंबर रहेगा वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे, इसी को हम लोग मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज, मियोसिस अगर हो रहा है किसी सेल के अंदर तो इतना कन्फर्म हो जाएगा कि अब वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसका उल्टा अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो डिप्लॉयड फेज आता है, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, मतलब ये हुआ कि मान लो ये सेल है इसके अंदर ये 2n है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम अंदर रिडक्शन डिवीज़न हो रहा है तो जो नया सेल बनेगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो हाफ हो जाएगा, और इसी में अगर मान लो कि दो एक सेल है हैप्लॉयड है अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फिर n से 2n यानी कि हैप्लॉयड से डिप्लॉयड में चला जाएगा, यानी कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जबकि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर देता है डिप्लॉयड फेज को। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस, जब गैमिटोजेनेसिस हम लोग को करवाना रहता है तो मियोसिस होता है इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल, और दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमिट। की पॉइंट क्या क्या होते हैं मियोसिस के, तो चलो पहले मियोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखो कि जो मियोसिस होता है उसमें दो सिक्वेंशियल साइकिल चलते हैं, डैट इज़ मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि मियोसिस कितने फेज साइकिल में कम्प्लीट होता है तो दो साइकिल में। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, और दोनों ही में न्यूक्लियस का और सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। की पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ डैट इज़ मियोसिस के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है लेकिन साइकिल दो बार चलता है। कैसे चलता है चलो देख लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट जो होता है, बेसिकली जो मियोसिस है वो मियोसिस फर्स्ट को ही हम लोग बोलते हैं। जो मियोसिस सेकेंड होता है वो लगभग माइटोसिस के जैसा होता है। ठीक है, जो मियोसिस सेकेंड है वो एज इक्वल टू माइटोसिस, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है बेसिकली वही मियोसिस है। क्यों है ऐसा, चलो हम लोग आगे देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम आर
हैव रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। याद करो जो मैंने इंटरफेज पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे G1 S G2 के बारे में बताया था, G1 S G2, ठीक है। तो जो मैंने S के बारे में बताया इसी को हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोले थे। और इस सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA का रिप्लिकेशन हो रहा था और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रोमियर का रिप्लिकेशन हो रहा था, यानी कि सेंट्रो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो कब होगा, तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं बच्चों, सिंपल वर्ड में इतना जानो कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको बनाने के लिए एक क्रोमोसोम दिया, तुम्हारे पापा ने तुमको बनाने के लिए एक क्रोमोसोम दिया, तो ये हो गया, ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। बस इतना ही समझो, तुम्हारी मम्मी का एक क्रोमोसोम, तुम्हारे पापा का एक क्रोमोसोम, दोनों मिले, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या मतलब हुआ, तो देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं पहले इसको क्लियर करो। ये मान लो तुम्हारे पापा का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये तुम्हारी मम्मी का क्रोमोसोम है, ओके। अब देखो ये जो तुम्हारे पापा का ये वाला क्रोमोसोम है, ये जो स्काई कलर से है, ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये ब्लू वाला जो है ये ग्रीन वाले के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। वो बगल में नहीं ना है, ये तुम्हारे पापा से आया था, ये तुम्हारी मम्मी से आया था, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखो 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकेंड के बाद 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। चलो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है। तो जहाँ तक बच्चों मियोसिस फर्स्ट की बात है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है दैट इज़ प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग इम्पॉर्टेंट इतना क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि जो मेजर वर्क होता है मियोसिस का वो प्रोफेज फर्स्ट में ही होता है। इसमें 5 स्टेजेस आते हैं, लटकते हुए जुल्फों के 2 दीवार हैं। तुम लोग भी बोलोगे कि क्या बोल रहे हैं, देखो लटकते हुए इसलिए मैंने ऐसा बोला, लटकते दैट इज़ लेप्टोटीन, जुल्फो दैट इज़ जाइगोटीन, पैकेटिन यानी कि लटकते हुए जुल्फों पे, पैकेटिन 2 यानी कि डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस यानी कि दीवाने, 2 दीवाने। तो ये हमारा एक मतलब ट्रिक है, एक तरह से आप इसको फनी ट्रिक आप इसको बोल सकते हो याद करने के लिए, क्योंकि बेसिकली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टेज पहले आएगा, क्योंकि इसको आपको सीक्वेंस में याद करना रहता है, ठीक है, इस तरह से। एनीवेज अब ये पांचों में क्या फ़र्क है और पांचों में क्या क्या होता है, तो देखो बच्चों जो लेप्टोटीन स्टेज होता है, एक बार टेक्स्ट देख लो, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर होता है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ओके। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग 5 फेजेस। इसको हम लोग फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर। क्रोमोजोम का देखो बच्चों जब भी किसी चीज़ का डिवीज़न होता है तो कोई ना कोई उसका आधार होना चाहिए। जैसे तुम्हारा ही क्लास है, तुम्हारे क्लास में अगर कोई ये तुमसे पूछे कि कितने तरह के स्टूडेंट हैं, तो तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा कि किस बेसिस पे। तो हो सकता है कि लड़का लड़की के बेसिस पे, तो 2 टाइप के हो जाएगा, टॉपर और एवरेज के बेसिस पे, तो उसमें तुम्हारा टाइपिंग अलग हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि जगह के हिसाब से बताओ कि कितने टाइप के स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई तुमसे डिवीज़न पूछ रहा है तो तुम्हें पहले उससे पूछना पड़ेगा कि किस आधार पे आप पूछ रहे हो, आपका बेस क्या है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरह का है, उस बेसिस पे जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके 5 स्टेजेज हैं, दैट इज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इन सब में फ़र्क क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट का ये पहला स्टेज होता है। इसमें होता क्या है ना कि क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखिएगा। याद करो जब मैंने माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ाया था तो मैंने ये बात क्लियर किया था कि प्रोफेज उस स्टेज को बोलते हैं बच्चों जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिड मटेरियल्स हैं वो अब
कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्म लेना चाहते हैं। इनकी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल या फिर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, बेसिकली यही की पॉइंट होता है प्रोफेज का। तो यहाँ पे हम लोग प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है कि लेप्टोटिन एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो धीरे धीरे अब दिखना स्टार्ट होता है। द कम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का जो कम्पैक्शन होता है, जब वो कम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है, कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटिन, यानी कि पूरे लेप्टोटिन स्टेज में। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो ये प्रोफेज है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो लेप्टोटिन होगा, तो ये पूरे ड्यूरेशन में लेप्टोटिन में क्रोमोसोम जो होता है वो कम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब बचा ये पैकेटिन। अब पैकेटिन में क्या होगा, दिस इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज, जिसको हम लोग जाइगोटिन बोलेंगे। सेकेंड स्टेज जाइगोटिन है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में होता क्या है कि क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि लेप्टोटिन में आपका क्रोमोसोम दिखने लगा, जाइगोटिन में जो क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। मान लो दो ऐसे क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और एक ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। और इस ये जो पेयरिंग होगा ना दो क्रोमोसोम का, इसी को हम लोग साइनेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, और सच पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरह के जो पेयरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज एकॉम्पिनेंट बाई द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इधर से ये मान लो हमारा मम्मी का सेल है, ठीक है, सॉरी मम्मी का सेल नहीं है, दो सेल आपका है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हम लोग साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोले, साइनेप्सिस हुआ ना, तो उसी को हम लोग साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोले। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई ए पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बाइवेलेंट बोलेंगे, बाइवेलेंट बोलो या फिर टेट्रार्ड बोलो, ये सारे वर्ड्स को ध्यान दें कि बाइवेलेंट और टेट्रार्ड दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। इसके अलावा, हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटिन। कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने दो फेजेस के बारे में देखा, अभी तक हम लोगों ने जो दो फेजेस के बारे में देखा डेट इज़ लेप्टोटिन और जाइगोटिन, वो दोनों शॉर्ट लिव्ड था। लेकिन अब जो नया स्टेज आया है डेट इज़ पैकेटिन, ये जो पैकेटिन है ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का होता है। इस स्टेज में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में द फोर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाईवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, अलग डिस्टिंक्ट हो जाते हैं एंड क्लियरली अपेयर एज टेट्राड। ठीक है, इस स्टेज में चार क्रोमेटिड हुए ना, एक मान लो कि ये वाला क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है तो इसमें दो क्रोमेटिड हुए ना, एक ये, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम हमारा जो है वो एक ये हो जाएगा, ठीक है, तो एक ये तीसरा और ये चौथा। तो बोल रहा है कि पैकेटिन स्टेज में जो फोर क्रोमेटिड होते हैं, यानी कि चारों जो क्रोमेटिड होते हैं ऑफ ईच बाइवेलेंट, बाइवेलेंट किसको बोलेंगे, ये दोनों मिला हुआ है ना, अभी मैंने अलग करके आपको दिखाया है, तो जो बाइवेलेंट का होता है वो क्लियरली अपेयर एज टेट्राड, टेट्राड के रूप में अब ये अलग अलग चारों आपको दिखने लगेगा। ठीक है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई द अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस। देखो अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, तो जो नया हमारा फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो कि ये क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्रोमोसोम इस तरह से हुआ, ठीक है, तो ये इसके ऊपर इस तरह से चढ़ गया और ये इसके ऊपर से चढ़ गया। तो याद करो मैंने अभी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में बताया था, तो ये और ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो दोनों एक दूसरे पे इस तरह से क्रॉस करेंगे, तो ये जो जहाँ पे ये लोग क्रॉस करेंगे ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे करेंगे वहाँ पे एक नोड्यूल बनेगा ना, तो वही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं।
क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का। जाहिर सी बात है, एक ये क्रोमोजोम था मान लो, ठीक है, एक ये क्रोमोजोम था, तो दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इन्वॉल्व होगा ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जब रिकॉम्बिनेशन होगा, इस कंप्लीटेड कंप्लीट होगा बाय द एंड ऑफ पैकेरिन। जैसे ही पैकेरिन खत्म होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाएगा, लिविंग द क्रोमोजोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ रहेगा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेज ऑफ द ऑफ दिस स्टेज, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट का जो फोर्थ स्टेज है, दैट इज गोइंग टू बी डिप्लोटीन। तो वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज? तो इन डिप्लोटीन स्टेज डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोक्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। की पॉइंट इज दिस कि पैकेटिन में क्या हुआ कि ये हमारा एक क्रॉस, ये एक हमारा क्रोमोजोम था, ठीक है, ये हमारा दो होमोलोगस क्रोमोजोम था ना, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पैकेटिन में क्या हो रहा था कि ये इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस किया था, और ये जो ग्रीन वाला था ये इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस किया था, यानी कि जो हमारा स्टेज बना वो कुछ इस तरह से बना होगा, एक ये और मैंने इसको रफली बनाया है इस तरह से, तो इसी को हम लोग बोलते थे क्रॉसिंग ओवर। जिस पॉइंट पे ये क्रॉस किया तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का नोड्यूल बन गया। तो अब क्या होगा कि अब ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करेगा ना, तो ये जो टूटने का डिसोल्यूशन यहाँ से अलग होने का जो प्रोसेस होता है, ये शुरुआत होता है डिप्लोटीन स्टेज में, और इसी को हम लोग साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। And the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of the crossing over. यानी कि ये दोनों क्रोमोजोम जो था बेसिकली बच्चों की मतलब मुझे टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से आपको ब्रीफ नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से आपको हर एक लाइन का वर्ड मतलब समझा सकूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। अगर लाइव क्लासेस होती तो शायद मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें बहुत कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता होगा। तो खैर चलिए, अब लाइव क्लासेस के बारे में सोच तो रही हूँ कि स्टार्ट करूँ, अब देखो कब स्टार्ट होता है। अगर आप लोग का अच्छा रिव्यू रहा तो फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें मैं और डिटेल में और अच्छे से मैं समझा पाऊँगी। तो एनीवेज, ये जो डिप्लोटीन था इसमें सिंपल सी है कि डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिप्लोटीन में होता है, और इस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जो बाइवेलेंट होता है वो अब सेपरेट होते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के जगह पे अभी भी सेपरेट नहीं होंगे, वहाँ पे एक एक्स लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कैज़मा बोलते हैं, ठीक है। और यही कैज़मा जब टूटेगा तो एक इधर क्रोमोसोम जाएगा, और ये होता है डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, तो फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट का जो फाइनल स्टेज होता है दैट इज डाइकाइनेसिस, उसमें होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैज़मा इज द की पॉइंट ऑफ दिस फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, क्रोमोसोम जो होता है फुली कंडेंस हो जाता है, और माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं वो एग्जेम्पल्ड कर देते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम को प्रिपेयर करने के लिए सेपरेशन मतलब तैयार हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन, एंड डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ द मेटाफेज। डाइकाइनेसिस जैसे ही खत्म होगा, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाएगा, अब प्रोफेज फर्स्ट खत्म होगा तो हमारा मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज का की पॉइंट क्या है बच्चों, तो सेम वैसा ही रहेगा कि इसमें क्या बना, बाईवैलेंट बना ना, तो जो बाईवैलेंट क्रोमोजोम्स होते हैं वो अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट। मैंने जब माइटोसिस पढ़ाया था तो उसमें मैंने मेटाफेज के बारे में बताया था कि मेटाफेज वो फेज होता है जिसमें क्रोमोजोम जो होता है वो बीच में सेंटर में, यानी कि सेल के सेंटर में आकर के अलाइन कर जाता है, और फिर वहाँ से वो दोनों सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर प्लेट पे आकर के अलाइन कर गए, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो वापस से काइनेटोकोर के पास आ जाते हैं, और फिर इसके आगे का जो स्टेज है दैट इज़ एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। याद रखना है कि सेंट्रोमियर अभी भी, ये देखो ये हमारा प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट का ये डायग्राम है, एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये हमारा प्रोफेज था फर्स्ट था, सेकंड में क्या हुआ मेटाफेज आया, ठीक है। मेटाफेज में एनाफेज में अलग तो हुए लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए,
उनके क्रोमेटिड्स अभी भी साथ में हैं। तो यह इसीलिए देखो यहाँ पे दो दो दिख रहा है ना, यही चीज़ तुमको उसमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो दो लाल लाल है, दो ब्लू ब्लू है, यहाँ पे दो लाल लाल दो ब्लू ब्लू है ना। तो यानी कि ये क्रोमेटिड अभी भी वैसे ही हैं, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोजोम अलग हुए हैं। टीलोफेज में क्या होता है बच्चों? तो जो टीलोफेज है उसमें क्या होता है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, यानी कि न्यूक्लियोलस जो होता है वापस से रीअपेयर कर जाएगा। याद करो टीलोफेज में मैंने वही बात बताया था। बेसिकली जो टीलोफेज होता है वो प्रोफेज का अपोजिट होता है, क्योंकि प्रोफेज में क्या होता है कि हर चीज़ टूटता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और टीलोफेज में क्या होता है कि हर चीज़ वापस से रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिफॉर्म होता है। साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ द सेल, ठीक है। Although in many case of the chromosome के बहुत सारे केस में do undergo some dispersion, they don't reach extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between two mitotic division is called interkinesis. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये हमारा meiosis first था, ये हमारा meiosis second है, इन दोनों के बीच में एक स्टेज आता है, डैट इज interkinesis, वो आता है, ठीक है। इसी को हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इस जनरली शॉर्टली बहुत ही कम टाइम का होता है। देर इज नो डीएनए रिप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के अंदर किसी भी तरह का डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड। इंटरकाइनेसिस जो होता है वो प्रोफेज सेकेंड को फॉलो करता है, और जो प्रोफेज फर्स्ट सेकेंड होता है वो मच सिंपल होता है कंपेयर टू द प्रोफेज फर्स्ट। नाउ द सेकेंड सिक्वेंशियल डिवीजन ऑफ द मियोसिस, मियोसिस का जो सेकंड साइकिल है, दैट इज गोइंग टू बी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो होता है वो लगभग इक्वेशनल डिवीजन ही होता है बेसिकली, ये भी, क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, वही चार स्टेजेस आएंगे, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एंड लास्टली टीलोफेज सेकंड। क्या होता है इसमें? तो मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमिडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस ख़त्म होगा वैसे ही प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, यूजुअली बिफोर द क्रोमोजोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। यानी कि क्रोमोजोम जो होता है फुल्ली इलोंगेट भी नहीं करता है कि प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस। देखो बच्चों, मैं बार बार चीख चीख के बोल रही थी ना कि मियोसिस जो सेकेंड होता है वो नॉर्मल माइटोसिस के जैसा होता है, तो मुझे बेसिकली यही बताना था आपको। इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपेयर कर जाता है प्रोफेज सेकेंड के एंड में, और जो क्रोमोजोम होता है अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। सेम चीज़ है मेटाफेज सेकेंड में, क्या होता है कि इस स्टेज में जो क्रोमोजोम होता है वो अलाइन हो जाता है इक्वेटर पे, माइक्रोट्यूबुल्स उसके अपोजिट पोल पे आएंगे, और स्पिंडल फाइबर जो होता है वो वापस से काइनेटोकोर को पकड़ेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। एनाफेज में वही चीज़ होगा कि एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होगा, और जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। और लास्टली हमारा है टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है कि ये मियोसिस एंड होता है एट द एंड ऑफ द टीलोफेज सेकेंड। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं अगेन न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोकाइनेसिस वगैरह सब खत्म हो जाएगा, और चार हैप्लॉयड डॉटर सेल बन जाएंगे। ये हमारा की पॉइंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, डेट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।